प्रदेश उपाध्यक्ष गुजरात श्री जनक भाई पटेल जी, लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे जी, श्री विक्रम सिंह गौड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह गोहिल जी, सेवंत भाई वसावा जी, श्रीमती रीना बेन वसावा जी, श्री पृथ्वी सिंह गोहिल जी, श्री अतुल भाई पटेल जी, श्री मनसुख भाई वसावा जी, रवजी भाई वसावा जी, जिग्नेश मिस्त्री जी, धर्म सिंह वसावा जी, प्रकाश भाई देसाई जी, बदन भाई वसावा जी, रमेश भाई उकानी जी और भारी संख्या में जगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भरूच की इस धरती को जहां के हर जल की बूंद में मां नर्मदा के दर्शन होते हो, ऋषि मुनियों ने तमाम देवालय जहां स्थापित किए हो उसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी का सौभाग्य है इस गुजरात की धरती ने हर संकट के समय में देश को नेतृत्व दिया है। आप याद करिए, आजादी के उस आंदोलन की, जब भारत के नागरिकों के मन में एक भाव पैदा हो गया था कि लगता है कि देश अब कभी आजाद नहीं हो पाएगा। आज से ठीक 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ था। देश की आजादी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब भारत ने लड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला, तो देखते ही देखते जो कार्य असंभव दिखाई दे रहा था, भाइयों बहनों, 1947 में भारत आजाद हो गया। हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक बन गए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है गुजरात, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है गुजरात। अंग्रेजों ने जिस भारत के बारे में देखा था कि तो हम भारत को स्वतंत्र नहीं होने देंगे, और अगर भारत स्वतंत्र भी होगा भी तो इस भारत के इतने टुकड़े कर देंगे कि भारत कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टिता, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने अंग्रेजों के सारे षड्यंत्र फेल हो गए। 563 से अधिक रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी और वर्तमान भारत एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा हो गया, जिस लोकतंत्र ने हम सबको एक ताकत दी है। भारत का हर वयस्क मतदाता मतदान कर सकता है। ये ताकत भारत के लोकतंत्र को मिली है, जिस भारत गणराज्य को लोकप्रिय